कचार 28 वार्ड वाइज टीम्स एंड 162 जीपी वाइज टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, जिसमें टीचर, आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, जीविका सखी जा रहे हैं अवेयरनेस बिल्ड करने के लिए। टॉयलेट यूज करने के बाद हाथ धोना है साबुन से, खाना खाने से पहले हाथ धोना है साबुन से, तभी खाना है। हमारी रहने की जगह जितना हो सके साफ सुथरा रखना है। मैं स्पेशली मदर्स को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, माँ को, कि बच्चों को खिलाने से पहले हाथ धोना है, खाने के बाद हाथ और मुंह धोना है, ताकि बच्चे ये डायरिया जैसे डिजीज से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा भी हमने हाइड्रोजन टैबलेट काफी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, 20 लीटर में एक टैबलेट। मैं देख रही हूँ कि छोटा क्वांटिटी में भी एक ही टैबलेट मिक्स कर रहे हैं, उससे पेट खराब हो जाता है। 20 लीटर अगर एक ही बार नहीं मिल रहा है, एक टैबलेट को आप एक ग्लास में मिक्स कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा जितना जितना पानी मिल रहा है उसमें आप मिला के वाटर प्यूरिफिकेशन, आधा घंटा एक घंटा प्यूरिफिकेशन होने के बाद फिर आप वो पानी पी सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे वार्ड वाइज जो अवेयरनेस कैंपेन्स चल रहे हैं, वहां पे हम ORS भी दे रहे हैं, जिंक भी दे रहे हैं। जिंक इज ओनली फॉर डायरिया एंड सच कंडीशन। 10 mg अगर बच्चे हैं एंड बड़े हैं तो 20 mg, ज्यादा प्लीज मत लीजिएगा, पेट आने से खराब हो जाता है। 2 दिन से आपका फीवर है, 24 आवर्स से लूज मोशन है, प्लीज आप इमीडिएटली कोई भी नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिपोर्ट कीजिएगा, आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। आप और हम मिलके ये कचार को कोई एपिडेमिक ब्रेकआउट होने से बचा सकते हैं। फाइनली मेरी रिक्वेस्ट है, राशन दुकान में हर जगह चावल मिल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त का हमने इशू किए हैं, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं GPSS वो सब लिफ्टिंग भी चालू किए हैं। कोई भी FPS दुकान अगर पानी में है, हमने नियरेस्ट सेंटर को भी टैग किया है, बट आपका ये एंटाइटलमेंट है, आपका ये हक है, थोड़ा थोड़ा करके आप उठाना शुरू कर सकते हैं। आप राशन भी लेके जितना हो सके लाइफ बैक टू नॉर्मल से रिटर्न करने की हम कोशिश कर रहे हैं। आपका सपोर्ट इसमें बहुत बहुमूल्य है। आप स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। नमस्कार।